आज हम लोग आपके डाउट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं और ये सोचते हैं कि हमसे तो ये टॉपिक हो ही नहीं पाएगा, आई कांट। जैसे कि कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स यदि उनको दिखता है बायो में, या कुछ ऐसा टॉपिक दिखता है जो उन्हें नहीं समझ आया होता है, और इसमें हम उनकी मदद कैसे करें, तो इस वीडियो को देखिए। और हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कहीं भी कोई भी आपका डाउट होता है, किसी भी टॉपिक में होता है या क्वेश्चन में होता है, तो आप डायरेक्टली हमें मेल कर सकते हैं और हम आपके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आपके डाउट को क्लियर करेंगे। इस तरह से आई कांट में से जो टी है, जो नॉट पार्ट है, वो हम हटाना चाहते हैं, और जब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप भी कहेंगे आई कैन डू इट, और हम लोग उसी का प्रयास कर रहे हैं। बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के डाउट्स को क्लियर करने के लिए कोडोन बायोलॉजी से जुड़े रहिए और अपने डाउट को हमसे शेयर करते रहिए। इसमें बच्चों के कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स आए हैं, वो कमेंट्स सच में इंस्पायरिंग हैं, और इसी इंस्पिरेशन की वजह से हम लोग कोडोन बायोलॉजी पे वीडियोज लेके आते रहते हैं, जिससे आपको बेनिफिट होता है। जैसे कि इस कमेंट में आप देख सकते हैं, इन्होंने मेंशन किया है वेरी हेल्पफुल टेस्ट वीडियोस फॉर ICMR। फिर इस कमेंट में आप देख सकते हैं, सर यू आर टेकिंग अ वेरी गुड स्टेप। इसमें देख सकते हैं, थैंक यू सो मच, योर वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट हैं, और ये कमेंट हमें इंस्पायर करते हैं ताकि हम वीडियोज़ आपके लिए प्रिपेयर करते रहें, और इसी इंस्पिरेशन से हम लोग वीडियो क्रिएट भी करते हैं। आइए देखते हैं, कुछ डाउट है। जैसे कि डाउट है, सर आई हैव अ डाउट इन फर्स्ट क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियोज़ में मोल कंसेप्ट का वीडियो है, उस मोल कंसेप्ट के वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है उसमें इनका डाउट है। अभी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चन है और कैसे इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, और इनके डाउट को क्लियर करेंगे। तो आइए इनका पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें है, ए लीटर ऑफ 18% ग्लूकोज सोल्यूशन इज कन्वर्टेड एनएरोबिकली इनटू मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द थियोरेटिकल मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट एनटीपी एज्यूमिंग आइडियलिटी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ द इंटायर ग्लूकोज वुड बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18% ग्लूकोज सोल्यूशन है। ग्लूकोज सोल्यूशन, ग्लूकोज को हम C6H12O6 लिख सकते हैं, 1 लीटर है। 18% ग्लूकोज सोल्यूशन है, इसको एन एरोबिकली कन्वर्ट करके मीथेन और CO2 बनाया गया है। और फिर इस क्वेश्चन में कहता है, द थियोरेटिकल मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ये जो गैस प्रोड्यूस हुआ है, मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका वॉल्यूम क्या होगा, कितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेंगे एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे। अगर NTP पे बात करें तो इस नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे ये मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, कि 112 लीटर है, 67.2 लीटर, 134.4 लीटर, मतलब जो भी इसमें दिया है उसमें से कितना वॉल्यूम ये गैस मिलके ऑक्यूपाई करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम यदि डिस्कस कर लें कि इस 18% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मोल कितना हुआ, इसका यदि मोलैरिटी निकालें, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एटीन परसेंट ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब है कि 100 ml सॉल्यूशन में 18 ग्राम ग्लूकोज है, लेकिन अगर हम मोल कैलकुलेट करें तो मोल कैलकुलेट करने के लिए हमें 1000 ml, या कहें 1 लीटर सॉल्यूशन में कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 180 ग्राम ग्लूकोज। अगर इससे हम 18% ग्लूकोज सॉल्यूशन का मोलैरिटी कैलकुलेट कर लें
तो मोलैरिटी का हो जाएगा गिवन वेट है 180 ग्राम, मोलिकुलर वेट हम जानते ही हैं ग्लूकोज का कि 180 होता है, यानी कि जो 18% लिखा है इसका मतलब है ये 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन है, यानी 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन को हम एनारोबिकली कन्वर्ट करना चाह रहे हैं मिथेनो CO2 में। तो अगर इस इक्वेशन को देखें C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में और मीथेन में। इस रिएक्शन को यदि बैलेंस किया जाए तो हम देख रहे हैं कि 3 मोल CO2 और 3 मोल CH4, अगर 3 मोल दोनों का ले लें तो ये इक्वेशन कम्प्लीटली बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ से हम पाएंगे कि 3 मोल CO2 का है और 3 मोल CH4 का है, यानी कि 6 मोल गैसेज हैं यहाँ। टोटल गैस हमारा क्या है, 6 मोल है। अब 1 मोल गैस ऑक्युपाई 22.4 लीटर, यानी 1 मोल गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। इस तरह से यदि 6 मोल गैसेज है तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा वो, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। थियोरेटिकल मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैसेस, कितना मैक्सिमम गैस का वॉल्यूम हो सकता है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो जैसा कि हमें पता है NTP पे किसी भी गैस का वॉल्यूम जो होता है मैक्सिमम वॉल्यूम वो 22.4 लीटर होता है। तो 6 मोल गैसेज के लिए क्या हो जाएगा, 6 × 22.4 कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा 134.4 लीटर। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक डाउट था जिसे हम लोगों ने क्लियर किया। इस तरह कुछ और भी डाउट्स यदि आपके पढ़ते वक्त मिल रहे हैं तो आप हमें मेल करिए, व्हाट्सएप करिए, आपके डाउट को हम लोग डिस्कस करेंगे और जो भी कंफ्यूजन है उसे दूर करने का कोशिश करेंगे। एक और कमेंट हमें मिला था, डाउट था, फ्रॉम विच बुक वी शुड प्रिपेयर फॉर जनरल एप्टीट्यूड, सम हेजिटेशन आई हैव रिलेटेड टू दिस। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि जनरल एप्टीट्यूड जो पूछता है DBT में या CSIR नेट में वो किस बुक से पढ़ा जाए, और कुछ हेजिटेशन है, किसी भी तरह का हो सकता है, जनरल एप्टीट्यूड को लेकर हो सकता है या CSIR के पार्ट बी को लेकर हो सकता है, CSIR के पार्ट सी को लेकर हो सकता है, या दूसरे किसी एग्ज़ाम के लिए भी हेजिटेशन हो सकता है, जैसे कि DVT हो गया, ICMR, ICAR, यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। तो किसी भी तरह का हेजिटेशन हो हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। और एक और अनाउंसमेंट हम लोग आपको लेकर आए हैं, वो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है और इसका फ़ायदा आप लोग लॉकडाउन पीरियड में ही ले सकते हैं। हम लोग अभी कुछ देर में इसको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन कोई ख़ास बुक यदि आप सोच रही हैं प्रीफर करने से पहले हम कहना चाहेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं एप्टीट्यूड के, आप केवल उन्हें ही लगा लेते हैं तो अपने आप में बहुत पर्याप्त हो जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसको सॉल्व करने के लिए आपको जहाँ से मदद लेनी है लीजिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्ट करिए और उसे ही सॉल्व कर लीजिए, वो पर्याप्त हो जाएगा आपके लिए। ये कुछ हमारे रिजल्ट हैं। स्वप्निल बनर्जी जो ICMR क्वालिफाई किए थे, और कुछ और कमेंट है जैसे कि मीनाक्षी, इन्होंने वीडियो देख करके और काफ़ी इनको मदद मिला था गेट क्वालिफाई करने में। इस तरह के बहुत सारे रिजल्ट हैं और इंस्पायरिंग है हम लोगों के लिए और आप लोगों के लिए भी कि आप लोग कैसे इन सब वीडियोज से लाभ ले सकते हैं और अपना रिजल्ट बेहतर कर सकते हैं। आज आप लोगों के लिए एक और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, और वो अनाउंसमेंट ये है कि इस लॉकडाउन पीरियड में जो अपने आप से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कहीं जाना नहीं है बाहर, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं,
टेक्स्ट बुक पढ़ गए हैं, वीडियोस देख गए हैं, तो आपको भी लग गया होगा कि ये ऑनलाइन मेथड से जुड़ना कितना फायदेमंद है। और इस बीच जो भी आपके डाउट हो रहे हैं, अभी तो CSIR नेट ने डिक्लेयर भी कर दिया कि फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड किया गया है। इसके अलावा भी जैसे कि हमने पिछले कमेंट में देखा था कि हेजिटेशन, तो हेजिटेशन बहुत सारा हेजिटेशन होता है, हमने पीछे डिस्कस भी किया कि किस तरह के हेजिटेशन बच्चों के मन में हो सकते हैं। तो किसी भी तरह का हेजिटेशन हो, वो फॉर्म भरने को लेकर हो या फॉर्म भरने के बाद का हो, जैसे कि फॉर्म भरने के बाद कैसे प्रिपेयर करें, बहुत सारे एग्जाम हैं, CSIR है, ICMR, ICAR, DBT, तो इन सारे एग्जाम्स के लिए जो कुछ भी डाउट है आपके मन में, आप जो है टेलीफोनिक कॉल के द्वारा भी असिस्टेंस ले सकते हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में ये खास ऑफर लेकर आया गया है जो कि 14th तक अवेलेबल रहेगा। 11 से 1 बजे के बीच आप लोग कॉल कर सकते हैं और आप अपने डाउट को डिस्कस करेंगे और हम लोग उसे डिस्कस करके क्लियर करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। आप जो टेलीफोनिक कॉल करेंगे उस टेलीफोनिक कॉल का जो नंबर है वो आप नोट कर लें, आप हमें इस पे कॉल भी कर सकते हैं। पहले से आपको पता ही है कि इस पे व्हाट्सएप फैसिलिटी है, यानी व्हाट्सएप के द्वारा भी आप अपने डाउट्स को मैसेज कर सकते हैं। किसी भी तरह से आपका डाउट हम तक पहुंचता है, हम उसे जरूर ही दूर करने का प्रयास करेंगे। खास बात ये ध्यान रखना है कि टेलीफोनिक कॉल आप 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच ही करें, बाकी व्हाट्सएप पे आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू ऑल।